दोस्तों बदल गया पहले T20 मैच का टाइम। इस नए समय पर शुरू होगा पहला T20 मुकाबला। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप भी हैं भारतीय टीम के फैन और चाहते हैं कि भारतीय टीम पहला मुकाबला जीते तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इंडिया वर्सेज इंग्लैंड का एक लंबा टौरा टूर शुरू हो चुका है, जिसका पहला टेस्ट मुकाबला हमने देखा था जब एक पांचवा टेस्ट मुकाबला खेला गया था, एक रिशेड्यूल्ड मुकाबला 1 जुलाई से खेला गया था 5 जुलाई के बीच। ऐसे में दोस्तों अब टेस्ट मुकाबला खत्म होने के बाद भारतीय टीम को T20 श्रृंखला खेलनी है। ऐसे में दोस्तों 3 T20 मैचों की श्रृंखला में 2 T20 मैच अलग से खेले जाएंगे, लेकिन पहला T20 मुकाबला जो होने वाला है जो कि आज यानी 7 जुलाई को साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम के लिए एक अलग टाइमिंग रखी गई है, जो कि अमूमन ऐसी टाइमिंग होती नहीं है, पर इस सीरीज और इस इकलौते मैच के लिए बिल्कुल अलग टाइमिंग रखी गई है। दरअसल दोस्तों साउथहैम्पटन में खेले जाने वाले इस मुकाबले का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ चुका है, भारतीय टीम को यह मुकाबला जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में इस मुकाबले की टाइमिंग की बात करें तो इस मुकाबले को आप देख सकते हैं 10:30 बजे रात को लाइव से। जी हां दोस्तों भारतीय समय अनुसार 10:30 बजे शुरू होगा। अक्सर भारत में मुकाबले 7, 8, 7:30 बजे से शुरू हो जाते हैं रात के, लेकिन यह मुकाबला 10:30 बजे रात से शुरू होगा, जो कि भारतीय समय अनुसार एक काफी वियर्ड टाइम नजर आ रहा है, जो कि अक्सर नहीं होता है। अक्सर हम 7 बजे से खेले जाते हैं मुकाबले देखते हैं, लेकिन इतनी लेट नाइट मैच क्यों रख रही है PCB और यहाँ पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड, अब ये तो देखने वाली बात होगी। आपके हिसाब से क्या टाइमिंग सही रहेगी या फिर पहले मुकाबले शुरू करने चाहिए, हमें अपनी राय नीचे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।